दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आर्यन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर बात करूंगा। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो दोस्तों मेरा वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। बात करूंगा, सरकारी हॉस्पिटल अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल खुलकर बोलूंगा आज इनमें कोई भी लगाम नहीं लगा रहा। तो इलाज के नाम पर इतना पैसा लूट रहे हैं, बारे में बता नहीं सकता। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मध्यम क्रम का व्यक्ति इलाज करवाने जाता है और अगर उसको कोई बड़ी बीमारी है तो या तो उसे इतना कर्ज लेना पड़ेगा कि उसके बच्चे भी वो कर्ज चुकाते रहे, या फिर कोई उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, मकान, जमीन या फिर कोई उसकी कीमती सामान। और गरीब व्यक्ति इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो इलाज करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसे पता है कि मैं इलाज तो दूर, मैं डॉक्टर की फीस भी नहीं दे पाऊंगा। क्या टेक्नोलॉजी है इन लोगों के पास जो एक व्यक्ति को इलाज के बाद कंगाल बना देती है? क्या इन हॉस्पिटल को यही हाल रहेगा? क्या मध्यम क्रम का व्यक्ति और गरीब व्यक्ति इन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा पाएगा? जो है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों का इतना महंगा इलाज, ये तो हम सभी को सोचने की बात है। क्या इन अस्पतालों की ऐसे ही दादागिरी चलती रहेगी? डॉक्टर व अस्पताल मालिकों को समझना पड़ेगा, पैसा ही होता है कि सब कुछ, सोचो व शर्म करो। इतना मरीजों को लूटना भी सही नहीं, उस ऊपर वाले से डरो वरना उस ऊपर वाले की ऐसी लाठी लगेगी कि जो तुम गरीबों के ऐसे इलाज के बहाने से तुम ऐसे पैसे लूट रहे हो ना, वो एक ही दिन में सब निकल जाएगा। कहाँ लेकर जाओगे इतना पैसा? सब यही रह जाएगा, मुंह फाड़ दोगे यहीं पे और पैसा तुम्हारा यहीं का यहीं रह जाएगा, और लेके जाओगे तो केवल गरीब की हाय। डॉक्टरों को हम और हम सब भगवान के समान समझते हैं। भगवान इंसानों को जन्म देता है, डॉक्टर हमको जन्म के बाद बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर और सब हॉस्पिटल एक जैसे नहीं है, आज भी ऐसे कई इतने अच्छे डॉक्टर है जो गरीबों का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। वो भी तो डॉक्टर है, वो भी तो पैसे लेते हैं, पर तुम लोगों के जैसे वो लोग लूटते नहीं है। अच्छे डॉक्टर को पता है कि ये गरीब इतने पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन तुम तो कोई किसी की परवाह करे बिना ही तुम इतने पैसे गरीबों से लूट लेते हो। और आज देश में, पूरे देश में ऐसे कई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो गरीबों का अच्छे से इलाज करते हैं, वो भी मुफ्त में। नाम नहीं लूंगा ऐसे अस्पतालों, लेकिन भगवान ऐसे अस्पताल मालिकों व डॉक्टरों को के जीवन में सातों जन्म की खुशियां भर दे। जो इलाज के नाम पे लूटते हैं ना, उन हॉस्पिटलों का कुछ करना ही चाहिए। मेरे देश के चिकित्सा मंत्री से एक अपील तो करूंगा, आपके पास तो पावर है, ऐसे अस्पतालों पर जो गरीबों को लूटते हैं ना, उनको उन पे तो जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और उनको जल्द से जल्द बंद कर दो। ऐसे अस्पताल के लिए नाम बड़े और दशक छोटे, उनका कार्य तो केवल सिर्फ और सिर्फ मरीजों को लूटना है। इनपे लगाम लगनी चाहिए, इनपे लगाम तो लगनी ही चाहिए। जो भी बड़ी बीमारी का इलाज देश का नागरिक देश के हर अस्पताल में आप इलाज करवाएं, इतने ही पैसे लगेंगे, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अब तो हम सभी को बीमारी को पता है, अब तो फिक्स इसे इलाज होना चाहिए, अब तो ज्यादा लूट नहीं होनी चाहिए। वह इलाज और बीमारी के पैसे तो फिक्स करने ही पड़ेंगे, जिससे लूट ना हो सके। देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे और अपना इलाज किसी भी अस्पताल में करवा सके। और कोई अगर अस्पताल अगर आपसे ज्यादा पैसे लेता है तो आप उसकी कंप्लेंट करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो मेरा वीडियो है ना, उन लुटेरे अस्पतालों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे जो मेरा वीडियो को बनाने का जो दोस्तों मकसद है ना, वो पूरा हो। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, दोस्तों आप उसको प्रेस करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे दोस्तों जो मेरी चैनल की जो न्यू नोटिफिकेशन है वीडियो की, वो दोस्तों तुरंत आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।